हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग मिस मनीषा पवार ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के 10 बजे से शुरू, और आज जा रही हूँ अपने नानी के गांव यानी कि सियालगी में। हमारे यहाँ बस थोड़ी सी दूर है, ज़्यादा नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, और मैं आज बारिश के दिन ही जा रही हूँ। तो मेरे पीछे बंदर पड़े हुए हैं, ये थैला है मेरे हाथ पे। अपने नानी के लिए थोड़ा आलू ले जा रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे बहुत आलू हुए थे, आपने देखा होगा वीडियो में। तो मैं अपने नानी के लिए थोड़ा सा आलू ले जा रही हूँ। तो बंदर मेरे पीछे पड़ गए थैले को देख के, और बंदर भी सीधे खाने पड़ रहे यार अब। तो मेरा बहुत लंबा डंडा कर रखा है, ये देखिए नीचे नीचे मेरा बहुत लंबा डंडा कर रखा है। तो चलती हूँ आगे की ओर। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरा इतना बड़ा डंडा कर रखा है हाथ में, क्योंकि बंदर सीधे पीछे पीछे आ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा बारिश भी लग गई। अभी तो मैंने छाता बंद कर दिया था, पर नहीं, बारिश लगी जा रही है। और मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ मौसम कैसा कैसा हो रखा है मौसम। तो आप भी देखिए और मौसम का मज़ा कीजिए देखने के लिए, पहाड़ों में कैसी कैसी ठंड हो रखी है। आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है यार पहाड़ों में। और मैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं नहर ही नहर चल रही हूँ। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको जरा थोड़ा। तो अब बंदर नहीं आ रहे, तो मैं इस डंडे को यहीं पे छोड़ देती हूँ, वरना मेरे नानी के गांव वाले बोलेंगे इतने डंडा लेके कहाँ घूम रही है। तो मैं डंडे को यहीं छोड़ती हूँ, और जब मैं वापस आऊँगी तो इसे लेकर जाऊँगी। तो छोड़ देती हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने डंडा यहाँ पे फेंक दिया, और अब चलती हूँ। ओहो, यहाँ पे लग गई रोक, क्योंकि यहाँ से ऊपर से इतना बड़ा पत्थर आया, तो यहाँ से नीचे चलना पड़ेगा और तब जाके ऊपर की ओर। तो हमारे गांव में काफ़ी सारी मलेरिया पाई जाती है, और यहाँ मलेरिया ही होती है, आप देख रहे होंगे पूरी मलेरिया। तो मेरी नानी नीचे है, आप देख सकते हो मेरी नानी को। और ये रहा मेरी नानी का घर। तो दोस्तों अभी 2 बज चुके हैं दिन के 2, और अब जा रही हूँ मैं नानी के घर से। तो अब चलती हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ घर की ओर, और नानी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लग गई है मुझे। तो आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है, और आप देख रहे होंगे मेरा छाता अभी भी नहीं उतरा, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, और ठंड तो पूछो मत। तो अभी मेरा फ़ोन भी भीग रहा है यार, तो सीधे मिलती हूँ आपको घर पे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, और थोड़ी बहुत बारिश रुक गए हैं, आपको दिखा दे। तो आप देख सकते हो बारिश थोड़ा बहुत रुक गई है, ये देखिए, और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया अभी। तो अब चलती हूँ मैं किचन की ओर, और देखते हैं, शाम के लिए थोड़ा सा मैं भट चढ़ा देती हूँ। तो मैंने आग तो जला दी है किचन में, अंधेरा हो रहा, थोड़ा लाइट जला देती हूँ। लाइट जला दी मैंने, दरवाजे के पीछे है ना ये, इसीलिए।
क्या है? तो पहले मैं प्रेशर की पुताई करूंगी, क्योंकि यार चूल्हे पे चढ़ाने से तो प्रेशर काला हो जाएगा, तो पहले इसे हम पुताई करेंगे राख से, तो उसके बाद चढ़ाऊंगी मैं चूल्हे पे। मैं भट्ट को भूलती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा खाते हैं, जिन जिन्होंने खाया होगा उन्हें तो पता है। तो चम्मच की सहायता से हम इसे ऐसे तरह से हिलाएंगे ताकि एक साइड से जले ना।